रायसेन जिले के चारों विधानसभाओं में उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें उदयपुरा विधानसभा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, होशंगाबाद सांसद राय उदय प्रताप सिंह सहित अन्य हजारों लोगों ने हुजूम के साथ भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र शिवाजी पटेल एसडीएम कार्यालय बरेली पहुंची। वहीं महिलाओं को कमल फूल की साड़ियां पहनाकर भरवाया भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र पटेल का नामांकन। चुनावी नामांकन चर्चा एसडीएम कार्यालय बरेली में एसडीएम रिटर्निंग अधिकारी संतोष मुदगल के पास जमा किया। नामांकन के बाद एक आम सभा का आयोजन बरेली में रामलीला मैदान में हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विजन और मिशन 2023 के चुनाव को सफल बनाने में भाजपा के पक्ष में चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। ये चुनावी और नकली हिंदू है, ये मध्य प्रदेश जानता है। राम मंदिर से आगे के आंदोलन में आड़े मोबाइल हमारी सरकार को खाने वाले दिग्विजय सिंह ने नमदा पर जमा कर ली, लेकिन जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन का मजाक करा है, ये तुष्टिकरण में अंधे हुए लोग हैं, जिसके कारण वो हमारी परंपराओं का मजाक उड़ा पाते हैं। वर्तमान वासी होने के नाते मैं दुखी।